हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ सोया चंक्स की रेसिपी। तो उसके लिए मैं न्यूट्रेला की सोया बड़ी ली हूँ। तो सबसे पहले मैं ये सोया बीन ले लूँगी और सोयाबीन को कढ़ाई में डाल के थोड़ा पानी डाल के इसको उबाल लेंगे 3-4 मिनट तक। उसके बाद जब पानी ठंडा हो जाएगा तो उस सोयाबीन को सारे सोयाबीन को अच्छे से निचोड़ लूँगी हाथों से दबा दबा के, ताकि पानी एकदम ना रहे। सारे सोयाबीन को मैंने निचोड़ लिया है। अब इसमें 4 बड़ी चम्मच दही डाल दूँगी, या आधा कटोरी के बराबर दही डाल दूँगी। उसके बाद इसमें नमक, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ हैं जिसको मैंने कद्दूकस करके ले ली हूँ, और इन सबको मिक्स कर लेंगे। चम्मच अच्छे से मिक्स नहीं हो रही थी तो मैं हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स हो जाने के बाद इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद मैं 1-2 प्याज ली हूँ और इसको पतले पतले काट ली हूँ, और थोड़ा सा कढ़ाई में तेल डाल के इसको ब्राउन होने तक इसको भून लेंगे। जब अच्छे से ब्राउन हो जाएगी तब इसको मिक्सी जार में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना लेंगे। लीजिए, हमारा ये पेस्ट तैयार है। अब 1 घंटे बाद उसी तेल में मैं थोड़ा सा जीरा और एक तेज़पत्ता डाल दूँगी। और देखिए, हमारे सोयाबीन अच्छी तरह से दही पी चुकी है। अब जो प्याज का पेस्ट है वो कढ़ाई में डाल के इसको थोड़ा सा भून लेंगे। जब भून जाएगी तो सारी सोयाबीन को मैं इसमें डाल के चला लूँगी, और चला लेने के बाद उसी थाली में थोड़ा सा पानी डाल के इसमें मिक्स कर लेंगे, और उसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी ऊपर से डाल देंगे, और 5 मिनट तक इसे मीडियम आंच पर पका लेंगे। इसे मीडियम आंच पर ही 5 मिनट तक पका लेंगे। तो लीजिए, ये हमारी सोया चंक्स तैयार हैं। आपको कैसी लगी सोया चंक्स की रेसिपी, प्लीज़ कमेंट करिएगा।